हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और उनकी पूरी तैयारी होने के बावजूद उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब वीज़ा रिफ्यूज़ल के देखिए मुख्य कारण है, पहला है कि अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं और आप भाषा ही नहीं जानते जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो कन्विंस नहीं हो पाता कि आपका पर्पस पढ़ने का है। और इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी अंग्रेज़ी पे मेहनत करिए। दूसरा है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने चुनी है वो जेन्युइन नहीं है। कई बारी होता क्या है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उनके लिस्ट में ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका मेन पर्पस है कि मतलब कैंडिडेट्स को वीज़ा दिलवाना, पढ़ाई मुख्य मकसद नहीं है। तो ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं उनका ऑफ़र भी आ जाता है, लेकिन उस केस में भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा कारण है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, मतलब जैसे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और फिर एक और कारण है कि आपके पास एडिक्वेट फिनेंसेस नहीं होते हैं। आप अपने अकाउंट में पूरे जो पैसे चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नहीं दिखाते हैं। फिर एक और कारण है वीज़ा रिफ्यूज़ल का कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं जो असली नहीं है। कई बारी जो एजेंट होते हैं उनके कहने पे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जो असली नहीं होते हैं, लेकिन एम्बेसी में वीज़ा ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और उनको पता चल जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट असली है क्या नकली है। तो नकली डॉक्यूमेंट्स अवॉइड किए जाने चाहिए। और फिर बात आई, कई बारी क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, मतलब वो इंटरव्यू फ़ोन के ज़रिए हो सकता है, स्काइप हो सकता है, या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है एम्बेसी में। तो एम्बेसी ये जानना चाहती है आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं, या फिर जो अगर गैप है वो क्यों है। अगर आप मतलब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके सवालों का सही ढंग से और सच्चाई से जवाब देते हैं, तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।